नमस्कार दर्शक बंधु, जीवन जिज्ञासा कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु सोनालीसा। आम समस्ते जमी जाने जे कार्तिक मास हेउची धर्मर मास, पवित्र मास। आउ ता भितरे एकथा मध्य कुहा जाए कि जो मैंने कार्तिक व्रत बा कार्तिक मास सारा न पाळी पारंती, जदि से मैंने पंचुक को पाळंती ताले से मैंने मध्य सेतिकी पुण्य अर्जन करिथांती। तेबे पंचुक केबे पालन कराए, काहेकि पालन कराए एवं केमिति पालन कराए, आज आम से विषय आलोचना करिबा। एवं से विषय आमको अधिक शुणा पई वर्तमान आम सहित अछंती ज्योतिर्विद पंडित चित्तरंजन महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार। आपनको आमर स्वतंत्र कार्यक्रम जीवन जिज्ञासा को स्वागत। कार्तिक मास आम समस्त जमी जानी जे धर्मर मास, बाकी मास भितर जेतिक जे पुण्य अर्जन न करथे कार्तिक मास कले ताको सेतिक पुण्य से अर्जन कर दिए। आ जदि कार्तिक मास सारा भी जदि के न करि पारंदे ताले पंचुक पांच दिन जदि करि थांदे ताले भी पुण्य मिलि थाए। तबे पंचुक केबे पड़े, केमिति पालन करा जाय एवं ता सहित पंचुक रे को को जिंस प्रति बेसी ध्यान दबा दरकार, केमिति पालिबा दरकार, टिके हम दर्शक बंधु कहंतु। जे पंचुकटा पांच दिन पालन करू आज्ञा, कि ए वर्ष चार दिन पंचुक पालन करा जिवो। अच्छा, काहेकी मु कहले हेबनी आज्ञा, शास्त्रान मत अनुसार आम पांजी अनुसार कहवा आज्ञा, आमर साधारण पंचुक केबेठू पालन करा जाए। जमी आम कहली या पूर्व आलोचना करे बड़ एकादशी जो पड़े आज्ञा, आपणकर जानते बड़ एकादशी कार्तिक मास शुक्लपक्ष एकादशी दिन ठारू, एकादशी ठारू ही पंचुकटा आरंभ होता है आज्ञा। आप देखिए पांच दिन केमी पालन करवा, एकादशी तिथि पर द्वादशी, द्वादशी पर त्रयोदशी, त्रयोदशी पर चतुर्दशी तिथि, तापर आप पूर्णिमा, आज पांच दिन हो गला आज्ञा पाँचटा। तो आपण ए बर्ष कहे कि तिथि क्षय जावा हेतु, तो क्षय जबार अवस्था एक प्रकार परिस्थित उपजी आज्ञा, जहाँकि आम बार तारिख दिन पालन करवा पंचुक आरंभ करवा, नवेम्बर बार तारिख ठीक पंचुक आरंभ करवा, पंदर तारिख दिन पड़ुछ पूर्णिमा आज्ञा पंदर, अर्थात आप देखिए बार बार तेर चौदह पंदर चार दिन बर्तन होगा। तो से दृष्टिकोण रूर्ष पंचुक आप पंचुक पांच दिन शास्त्र भूल नुह आज्ञा, कि आप देखिए आमर ओडिया घर पर्वपर्वाणी एवं सब जिनस तिथि नक्षत्र सहित जड़ित आज्ञा, तिथि सहित बेसिकाली जड़ित आज्ञा। तो से दृष्टिकोण रू कि तिथि क्षय जावा हेतु गोटे दिन आम पालन करें ना, जोटा कि आम असुविधा सृष्टि कर, तेणु चार दिन पंचुक पालन करवा आज्ञा। आप प्रश्न प्रति आसवा पंचुक कौन सब बारण रही आज्ञा, देखु साधारण मुझे पंचुकटी हूँ पूरा निरामिष भोजन करवा निहाती आवश्यक अटे। आप देखिए लोकाचारिक मतलब प्राय व्यक्ति विशेष कहते पंचुक खाली आमिष खाइबेनि आज्ञा, कोई शास्त्र लिखा जाए पंचुक खाली आमिष खाइबेनि बोले आज्ञा, अर्थात कार्तिक व्रत आम जो जो छाड़ छाड़ी था जो खाद्य गुड़ाक ग्रहण करतान को सेपरी भाव में पंचुक पांच दिन आम रहा आवश्यक अटे। अर्थात आप जानवे जो पंचुक पांच दिन में आम किसी पर खाइबा ना, निश्चित भाव आज्ञा आम यू ग्रहण करूनी आज्ञा, लोकाचारिक जो शास्त्रानुगत गले आप देखिए जी हविष कै सी केवल सारू उ आपण जानते अमृतभंडा कंचा कदमी ये सब पर प्रस्तुत हो डालमा प्रस्तुत खाई था आज्ञा, हविष डालमा आज्ञा, अन्य पर किसी खाती आज्ञा, जो मैंने पंचुक करेंगे मत भी से ही पर गुटा खाइबे आज्ञा, कितु आम मुंडे पशि जाइए आम कह आमिष खाइबा ना आज्ञा, सीटा भातरा से भाविया भूल आज्ञा, कितु आम किसी बारण रहा आज्ञा, जोटा कि यू पर छाड़ करवा आज्ञा खाइबानी आज्ञा, आमिष तो निश्चित खाइबानी आज्ञा। तो यह सब जिनस आसवा द्वितीय तो कौन सब से समय करवा प्रात स्नान करवा पंचुक गोटे बड़ आप जानते गुरुत्व दि जाए, सूर्य उदय पूर्व जो स्नान कराए दिव्य स्नान कहुए बा ब्रह्म मुहूर्त जो स्नान अथ आप सूर्य उदयर 46 मिनिट बा 42 मिनिट पाखापाखि 46 मिनिट आम कहे पूर्वटा को आम ब्रह्म मुहूर्त कही थो शास्त्र मत अनुसार। तो से समय सूर्य उदय पूर्व स्नान कर निकटस्थ शिव मंदिर किंवा विष्णु मंदिर रे आपण पहुँचे वो दर्शन करेंगे वो पूजा अर्चना करेंगे किसी कीर्तन जप तपर मन देवे ध्यान देवे जो मैंने पंचुक करेंगे आज्ञा एतत् सहित निज घरे वृंदावती चौरा मूल कि जल अर्पण करेंगे बाकी बसिक भगवान विष्णु किसी आराधना करूँ बा एक प्रकार करने द्वारा पंचुकर महात्म्य
ପଞ୍ଚୁକର ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମିଷ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବଗ ବଗୁଲି ଆମିଷ ଖାଉନି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ, ଆମେ ସେତିକିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବାକି ଛାଡ଼କି ଆସିଲେ କେମିତି ଧରିବା ଆମିଷକୁ ଆଉ ଥରେ, ଧରିବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ମାନସିକତା ଆମର ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ପରିବା ଛାଡ଼ିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଏପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚୁକ ଚାରିଦିନ ଯିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକଟା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ସବୁ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଦାମୋଦର ମାସ କୁହାଯାଏ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାସ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ, ଯିଏ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଉପରେ କି ଚାଲିକି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ଯଦି ମା କହୁଛେ ତାପରେ ଚାଲୁଛେ ପାପ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏତ ସହିତ ଆମେ ଜଣତ ଜଣତ ବହୁତ ପାପ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଇଏ ପାପ ଗୁଡ଼ାକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ମାସ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା, ତ ଆମକୁ ସେ ପାପ ଆଉ ଗ୍ରାସ କରିବନି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ, ବା ଆମେ ପାପ ଫଳଟା ଆମେ ଭୋଗ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା, ତା ପାପ ଧୋଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ଏସବୁ ପରିବା ନ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁକି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କି ପଞ୍ଚୁକ ଏଥର କାହିଁକି 4 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି 4 ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।